आज हम इमली की चटनी बनाएंगे। ये चटनी आप चाट के साथ या पानी पूरी के साथ, आलू वड़े के साथ खा सकते हैं। चटनी हमें इमली की चटनी के लिए चाहिए 250 ग्राम इमली, 200 ग्राम खजूर, 700 ग्राम गुड़, 1 चम्मच जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। हम इसमें खजूर थोड़ी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि खजूर उसमें अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। और ये सब हम गर्म पानी में भिगो के 2 घंटे रखेंगे। अब हमारी गुड़, इमली और खजूर अच्छे से भीग गई है। यह हमने 2 घंटे तक भिगो के रखी है। अब इसके हम ब्लेंडर में अच्छी से पेस्ट करेंगे। अब हमारी इमली अच्छे से पेस्ट हो गई है। अब हम इसे छान के लेंगे, एक छलनी से छान के लेंगे इसे। ये इमली भिगोते वक्त इमली और गुड़ का पानी इसमें थोड़ा डालेंगे। अब हमारी इमली की चटनी तैयार है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, ये सब डाल के हम इसको गैस पे 10 मिनट बॉईल करने को रखेंगे क्योंकि फिर ये चटनी 2 महीने तक अच्छे से रहती है। इसमें 3 से 4 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर से इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से बॉईल करने के लिए रखेंगे और नमक और मिर्ची कम ज्यादा हो गई हो तो आपके टेस्ट के अनुसार उसमें नमक और मिर्ची ज्यादा कम डाले। उसमें आप देखिए चटनी को अच्छा उबाल आ गया है। अब हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। ये अभी पतली दिख रही है, आधा घंटे के बाद ये गाढ़ी होगी। इसे हम फ्रिज में कांच के बर्नी में स्टोरेज करके 2 महीने तक रख सकते हैं।